पीएम मोदी आज बिहार में फूकेंगे चुनावी बिगुल, जमुई में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अगले हफ्ते जारी कर सकती है घोषणा पत्र, 2047 पर रहेगा फोकस। लोकसभा चुनाव के लिए जल्द जारी हो सकता है बीजेपी का घोषणा पत्र, ज्ञान पर रह सकता है फोकस। आप नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा होने पर लोगों को किया संबोधित, ये वक्त जश्न मनाने का नहीं, ये वक्त संघर्ष करने का। जेल से छूटते ही संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने समीक्षा बैठक की, राजीव कुमार बोले हम बेदाग चुनाव चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, ये चुनाव निर्णायक है। असम के हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी असम आए और प्रचार करें, इससे भाजपा को फायदा होगा और सैकड़ों कांग्रेसी पार्टी छोड़ देगी। संजय सिंह की जमानत होने पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान, कहा यह समय खुशी मनाने का नहीं, ये समय संघर्ष करने का। भाजपा ने आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस, कहा बीजेपी में शामिल होने के ऑफर का सबूत दें। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में हुए शामिल। संजय निरूपम की कांग्रेस से छुट्टी, पार्टी ने 6 साल से के लिए किया निष्कासन। मौसम को लेकर केंद्र ने राज्यों के लिए जारी किए निर्देश, कहा गर्म हवाओं की चपेट में आने वालों हर जिले में होगी निगरानी। कच्छ सीमा पर बटा इंडिया अलायंस, एमडीएमके ने कांग्रेस पर तमिलनाडु को धोखा देने का लगाया आरोप। 48 घंटे में ईरान कर सकता है इसराइल पर बड़ा हमला, सीआईए ने किया अलर्ट। ताइवान में आए भूकंप से 9 लोगों की मौत, 1000 घायल, 70 लोग इमारतों में फंसे, वहीं 2 भारतीय लापता।